अगर ये बनाने की कोशिश भी करेंगे, बनाएंगे भी, तो एक असेंबली सेशन नहीं चल पाएगा, क्योंकि इनके अंदर भी इतनी कंट्रडिक्शंस हैं। बीजेपी आज भी कहती है, यहां इनकार नहीं करती दिल्ली में, कि 370 धारा जो है ये हिंदुस्तान के हक में नहीं है, भारतीय एकता के हक में नहीं है, इसे खत्म करो। जो कश्मीर की पार्टी है, चाहे पीडीपी है या कोई है या कांग्रेस है, वो 370 को 70 साल से 1950 से हमारे ऊपर रखे हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि पावर कश्मीर में हाथ में रहे और लूट मार का बाजार गर्म रहे। जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स है लूट की, बेईमानी की, इसके अलावा लोगों के यानी पीपल्स वेलफेयर, लोगों की डेवलपमेंट का कोई नामो निशान नहीं। सरकार नहीं बन सकती, बनेंगे भी, अब दिल्ली वाले बना सकते हैं आर्टिकल 370 के तहत। राष्ट्रपति किसी को भी उठा के, एक बाहर के आदमी को भी उठा के चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं, लेकिन उसको तुरंत असेंबली के अंदर जाके मेजोरिटी सिद्ध करनी होगी, जो मुमकिन नहीं है। डिवीजन इतनी हो चुकी है, मुफ्ती साहब की अपनी कैपेसिटी थी, दूरदर्शिता थी और अंडरस्टैंडिंग थी कि वो अपने दुश्मनों को भी साथ मिला लेते थे। महबूबा मुफ्ती और मुफ्ती साहब का जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ कोई हिंदुस्तान में लीडर नहीं था मार्क्सिस्ट पार्टी का हो, क्योंकि मुफ्ती साहब मार्क्सिस्ट पार्टी से भी जुड़े थे जब वो विपक्ष में थे जम्मू कश्मीर में, और वो बीजेपी से भी जुड़े रहे। और मुफ्ती साहब की बेटी जो हैं, वो उनसे अपने वालिद साहब से बहुत अलग है। ये होगा कि वहां कोई भी सरकार अगर जबरदस्ती बनाई भी जाती है, 1-30 दिन नहीं चलेगी, 1 महीना नहीं चलेगी, और होंगे नए चुनाव। नए चुनाव में ये बहुत जरूरी है कि भारत सरकार फैसला करे, धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन करना चाहिए। तीन रियासतें जो हैं, लद्दाख, कश्मीर और जम्मू, उनकी बुनियाद रखो, कोऑपरेशन रखो, कन्फेडरेशन रखो, लेकिन तीनों चीफ मिनिस्टर होंगे, तीन रियासतें होंगी, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों की इसी में भलाई है, इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं। आप देख लेना, मैं हूं ना हूं, महीना हो, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, जो मैं कह रहा हूं यही होगा पुनर्गठन। जो स्टेट की 1886 से पहले हालत थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर से